नमस्ते, मायसेल्फ जेवीएन रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीम्स. व्हाट इज सीम? कि सबसे पहले सीम क्या है? व्हाट इज सीम, है ना? सीम क्या है कि फैब्रिक की अगर दो लेयर को आपस में मिलाकर जोड़ा जाए और एक सिलाई लगाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? सीम. अगर कहें तो फैब्रिक की दो लेयर, जहाँ पर कि मान लीजिए ये एक फैब्रिक की ये लेयर है, ठीक है, अंदर है दूसरी लेयर, ठीक है. अब फैब्रिक की जिस लाइन पर हम सीम लगाते हैं, ठीक है, कि दो फैब्रिक की लेयर ली और यहाँ पर हमने एक सीम लगाई, तो जिस लाइन पर आपको सीम लगती है ये आती है सीम लाइन. तो दिस इज कॉल्ड सीम लाइन. तो अगर जनरल वे में हम बोलें तो फैब्रिक की दो लेयर को आपस में मिलाकर जोड़ना क्या कहलाता है? सीम. ठीक है. अ लाइन वेयर इज टू फैब्रिक आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड सीम. ठीक है. अब डिफरेंट टाइप्स की सीम्स का हम अलग अलग, जैसे गारमेंट होता है उसमें हम अलग अलग टाइप्स की सीम्स का यूज कर सकते हैं. कि फर्स्ट आपका देखते हैं प्लेन सीम. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है. तो प्लेन सीम का मतलब इसमें फैब्रिक की एक लेयर नीचे रहेगी, दूसरी लेयर ऊपर रहेगी. ठीक है. अब ये वाली सीम है कि फैब्रिक की एक लेयर नीचे है, दूसरी ऊपर है, और जिस लाइन पर हम सीम लगा रहे हैं ये क्या कहला रही है? सीम. तो फैब्रिक की दो लेयर को आपस में मिलाकर जोड़ा तो ये क्या कहलाती है? प्लेन सीम. ठीक है. अब प्लेन सीम का यूज क्या है? तो सबसे मेन, जब भी हम कोई सीम लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? सीम अलाउंस. ठीक है. कि आपने देखा कि ये लाइन है, इसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सीम अलाउंस. ठीक है, ये सीम अलाउंस है. अब सीम अलाउंस है हर जगह पर अलग अलग, कि आप एरिया कोई भी एक गारमेंट होता है उस पर जैसे, ठीक है, प्लेन सीम लगाएंगे. तो प्लेन सीम लगाने के लिए ठीक है, अब सीम अलाउंस कितना लिया जाए? ठीक है, सीम अलाउंस अगर हम लेंगे तो सीम अलाउंस कहाँ कहाँ आता है? जैसे कि शोल्डर, ठीक है, फर्स्ट आ गया शोल्डर, दूसरा आ गया नेक, ठीक है, थर्ड इज आर्म होल, ठीक है, फोर्थ इज साइड. ठीक है. अब शोल्डर है, शोल्डर पर हम रखेंगे सीम अलाउंस 1/4 इंच. ठीक है. नेक पे आप रखोगे 1/4 इंच या 1 सेंटीमीटर. ठीक है. या अगर आपको अंदर टर्न करना है तो 1 फ्रैक्शन. ठीक है, इसको कह सकते हैं 1/8 इंच. ठीक है. नेक्स्ट आता है आर्म होल पर भी, जहां पर भी कि हम स्लीव को अटैच करते हैं वहां पर हम जो लगाएंगे 1/4 इंच. ठीक है. साइड है, अब साइड में कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्लाउज है, वहां पर हम 1 इंच का रखते हैं, और जो आपके रेडीमेड गारमेंट आते हैं उसमें आप 1/4 इंच का सीम अलाउंस रखते हैं. ठीक है, क्लियर. तो ये क्या होंगे? सीम अलाउंस, जहां पर कि प्लेन सीम है. अब प्लेन सीम का जैसे अलग अलग जगह है तो हम क्या करेंगे? 1/4 इंच का सीम अलाउंस या 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखेंगे. ठीक है. अब इसका यूज हम शोल्डर पे भी कर सकते हैं, नेक पे भी कर सकते हैं, आर्म होल पे भी कर सकते हैं और साइड पे भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या आती है? प्लेन सीम. नेक्स्ट इज फ्रेंच सीम. ठीक है. अब फ्रेंच सीम, प्लेन सीम का एक ड्रॉबैक था कि हमने फैब्रिक की दो लेयर को आपस में मिलाकर जोड़ा तो उसमें, जैसे ये फैब्रिक है, दो लेयर को हम आपस में मिलाकर जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा? ऐसे रॉ एजेस निकलते हैं.
है ना। तो एक टाइम पे आने के बाद ये क्या होगा, सीम ओपन हो जाएगी। तो उस सीम को दबाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंच सीम का यूज करते हैं। ठीक है, कि आपने पहले प्लेन सीम लगाई, अब ये फ्रेंच सीम क्या है, सबसे फर्स्ट जो है फैब्रिक की राइट साइड लगेगी, देन उसके बाद फोल्ड होकर ये रॉन्ग साइड लगेगी। ठीक है, तो अब सीम अलाउंस कितना हुआ, कि हमने एक फ्रैक्शन सीम अलाउंस तो जब लगाया है कि कपड़ा फैब्रिक दब जाए, उतना हम सीम अलाउंस रख रहे हैं। ठीक है, राइट साइड में, देन उसके बाद जब हम फोल्ड करते हैं तो उसके बाद 1/4 इंच सीम अलाउंस रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंच सीम। फिर टॉप स्टिच सीम, कि टॉप स्टिच सीम का यूज कहाँ करते हैं, कि आपने सबसे फर्स्ट प्लेन सीम लगाई, देन इसके बाद आपने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद आपने फैब्रिक की, ये जैसे ओपन फैब्रिक है, यहाँ पर हमने एक सीम लगा दी। ठीक है, ये जैसे ये सीम लगी हुई है, ठीक है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, टॉप स्टिच सीम। क्लियर, तो फर्स्ट हमने, जैसे अगर इसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें, तो क्लास फर्स्ट में हम 5 सीम का यूज करते हैं। फर्स्ट है प्लेन सीम, सेकंड इज फ्रेंच सीम, थर्ड इज टॉप स्टिच सीम, पाइप सीम और एच टॉप एंड 1/4 इंच सीम। ठीक है, फिर आ रहा है पाइप सीम। पाइप सीम वाला क्या है, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाइप सीम का यूज कर रहे हैं, कि आपने फैब्रिक की, मैंने बताया कि फैब्रिक की जब सीम लगाते हैं तो फैब्रिक की मिनिमम 2 लेयर का होना जरूरी है। ठीक है, जिसमें कि आपकी फैब्रिक की एक लेयर नीचे और दूसरी ऊपर रहती है। लेकिन कुछ सीम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हम डेकोरेशन के लिए प्लेन सीम के साथ क्या करते हैं, कि एडिशनल एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पाइप सीम है, इसमें ये एडिशनल एक सीम लगी, एक लेयर लगी हुई है। ठीक है, तो फैब्रिक की 2 लेयर के बीच में हमने एक तीसरा किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने अंदर से इसमें फैब्रिक की सीधे की तरफ रखा और उसके बाद टर्न करके एक एज पे सिलाई लगा दी, तो ये क्या कहलाएगी, पाइप सीम। तो ये क्लास फर्स्ट में है। अब देन उसके बाद आता है लैप सीम। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, फैब्रिक की जैसे एक लेयर है, इस पे हम क्या कर रहे थे, एक लेयर को नीचे रखा, दूसरे को ऊपर रखा और एक सीम लगा दी। अब लैप सीम में क्या होगा, कि फैब्रिक की एक लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी इस तरह से, कि मान लीजिए फैब्रिक है, इस पे हमने रखा, एक लेयर इसके ऊपर ओवरलैप हुई और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे शर्ट है उसका जो योक है उसको अटैच करने के लिए, अगर आपने कोई निटेड फैब्रिक है वहाँ पर अगर आपको डिजाइनिंग शो करनी है तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, कि लगाया उसके बाद यहाँ इस तरह के रॉयजेज लगते हैं, तो डिजाइनिंग पर्पज से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये वाला क्या है, लैप सीम। देन उसके बाद आता है स्लॉट सीम। स्लॉट का मतलब 2 फैब्रिक है, उनके बीच में आपने क्या किया, एक अलग से फैब्रिक अटैच कर दिया। ठीक है, ये जो सारे हम जैसे सैंपल बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, 8x8 का सैंपल है, सैंपल बनाया, देन इनका गारमेंट पे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे स्लॉट सीम है, अब आपने देखा कि ये 2 फैब्रिक अलग कलर के हैं, इट मीन्स ये किस लिए यूज हो रही है, डिजाइनिंग पर्पज से आपने लिया। देन उसके बाद आपने एक बीच में, अब इसका है मेजरमेंट 1 इंचेस भी हो सकता है, ठीक है, 2 इंचेस भी हो सकता है, जितना आपको गैप को कवर करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। तो ये स्लॉट सीम है कि फर्स्ट आपने क्या किया, मान लीजिए ये है, आपने बीच में फैब्रिक रखा, यहाँ सिलाई करी और इसके बीच में इस तरह से लगा दिया, तो ये क्या है, स्लॉट सीम, जिसका यूज हम डेकोरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, बीच में पैनल लगाया, उसके बीच में कर दिया। अगर आपने कोई भी है
जैसे योक है, मान लीजिए ये नेक इस तरह का बना रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। अब इसमें ये सेंटर लाइन आई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, डिज़ाइन दिया, ये फैब्रिक अलग आ गया, ये फैब्रिक अलग आ गया, तो ये आपकी स्लॉट सीम वाला पार्ट आ गया। दो पीस के बीच में हम इस तरह की डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्लॉट सीम। बेल्ट सीम का यूज़ कि आपने पहले इस तरह से रखा और 1 इंच पे एक सिलाई लगा दी, ठीक है। देन उसके बाद में आपने इसको कट कर दिया ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसके बाद पलट कर आपने क्या किया, यहाँ पर एक सीम लगा दी, ठीक है। इसका यूज़ हम डेनिम में करते हैं कि डेनिम का कोई भी गारमेंट होगा वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो आज हमने क्या, ये सारी सीम्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी सीम होती है और इनका कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंट टाइप की सीम फिनिशेज है उसका कहाँ यूज़ होता है ये लेक्चर लेंगे। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कर सकते हैं, और मशीन के थ्रू ये सारी बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन का यूज़ करते हुए हम इसको बनाते हैं। ओके, थैंक यू।